बीजेपी रूलर गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें मैं ये बोल रही हूँ सर्टेन पॉलिटिकल क्लास जो ये गेम खेल रहा है, इसमें कौन फायदा उठा रहे हैं? ये वायरस क्रिएट करके इतने सारे हिंसा होने दे रहे हैं ना। और मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, इंडिया में इतने बड़े बड़े राज्य है, गुजरात में राइट हुआ था, एक बड़ा स्टेट है, लेकिन उस कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर दिया। सरकार का कर्तव्य है एक जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी बैठा के किसने हिंसा शुरू किया है, ये सब उठाने का, ये मुद्दा उठाने का वक्त आ गया है। ये जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी क्यों नहीं बिठाई है, मैं समझ नहीं आया। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप सभी का जहानाबाद में स्वागत है। मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख सकते हैं, ये सारे मणिपुर के हैं। और मणिपुर को जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आपने टेलीविजन में, अखबारों में और सोशल मीडिया के जरिए एक खबर देखा होगा कि मणिपुर को जलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि टेररिस्ट है जो दूसरे देश से आए थे वो मणिपुर को जला रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर उनका घर जलाया जा रहा है, जगह जगह रोड पे टायर जलाई जा रही है और बहुत तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। तो मेरे साथ एक लड़की है, हम इनसे बात करेंगे कि किस किस तरीके की परेशानी मणिपुर के लोगों को, मतलब मणिपुर के लोग डेली सामना करते हैं और कैसे जूझते हैं उस सारी परेशानियों से। आपका नाम क्या है? रोजी। मणिपुर से क्या क्या परेशानियों का सामना करना होता है? आप लोगों ने देखा ही होगा 20 दिन से हिंसा हो रहा है मणिपुर में, इतने सारे घर जलाया जा रहा है, मंदिर जलाया जा रहे हैं, चर्च बंद होते जा रहे हैं, बहुत सारी हिंसा होते जा रहे हैं। कौन है वो लोग? कौन है? आपस में लड़े क्योंकि ये कौन है, ये कौन है, हम ये नहीं कह सकते। सरकार का कर्तव्य है एक जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी बैठा के किसने हिंसा शुरू किया है, ये सब उठाने का, ये मुद्दा उठाने का वक्त आ गया है। ये जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी क्यों नहीं बिठाई है, मैं समझ नहीं आया। और मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, इंडिया में इतने बड़े बड़े राज्य है, गुजरात में राइट हुआ था, एक बड़ा स्टेट है, लेकिन उस कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर दिया गया था, कुछ ही दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर उसको राइट को, इतना बड़ा राइट को कंट्रोल कर दिया। लेकिन 20 दिन हो गए, अभी तक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। दो सवाल, पहला सवाल कि उन लोगों की क्या मांगे हैं जो वो लोग कर रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, और दूसरा कि सरकार इसके दोषी, इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार मैं राइट पर्सन, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट का सही समय पे आगे इंटरवेंशन करना चाहिए था, सही समय पे आगे वायलेंस जो हो रहा था कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, इसी वजह से ये सब हो रहा है। और वहाँ पे उन लोगों का ये मामला है कि मैटे एससी नहीं बनना चाहिए, और ये मैटे कम्युनिटी जो एससी बने या ना बने हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है, ये सब कंसर्न अथॉरिटीज के द्वारा होना चाहिए। ये आप लोग और भी जानना चाहते हो, और भी क्या क्यों बनना चाहते हो, तो फिर आप शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी जो है, मैथी कम्युनिटी जनरल कैटेगरी, मैंने जनरल भी है, उस जनरल भी है, ओबीसी भी है और थोड़ा कुछ एससी भी है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वायरस अभी तो शुरू क्यों, इतना दिनों हो गया, अभी तो कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे मुझे तो लगता है कोई राज, तो बीजेपी की गवर्नमेंट, हाँ बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें मैं ये बोल रही हूँ सर्टेन पॉलिटिकल क्लास जो ये गेम खेल रहा है, इसमें कौन फायदा उठा रहे हैं? ये वायरस क्रिएट करके इतने सारे हिंसा होने दे रहे हैं ना, इसमें कुछ कम्युनिटी या कुछ लोगों का तो फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो? ये तो हमें चले, ये सभी जानते हैं किसको फायदा हो रहा है, मैटे का तो कोई फायदा नहीं है इसमें, मैटे जाने जा रहे हैं, सभी मासूम लोगों का घर जा रहा है, दोनों कम्युनिटी से, चाहे कुकी हो चाहे मैटे हो चाहे अदर कम्युनिटी, उसमें से तो मासूम लोगों के ये तो जान जा रहे हैं, आपस में लड़ा के कोई तीसरा फायदा तो फायदा तो उठा रहे ना, क्योंकि अभी तक छोटा सा राज्य है मणिपुर, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये साफ साफ है ना, कोई तो इसका फायदा ले रहा है, या पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, ये सर्टेन पॉलिटिकल क्लास इसका फायदा उठा रहे हैं, तो ये आप जर्नलिस्ट हो, आप जानते हो कि वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ था, ये सभी जानते हैं कहाँ से शुरू हुआ था, अगर सच को सामने आना है तो एक जुडिशियल कमेटी बिठाइए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाइए और उसको सच्चाई को सामने लाइए, सभी लोग जानते हैं कि वायलेंस कहाँ से शुरू किया था और मैटे ने कैसे रिटालिएट किया था, जब
भाई ने शुरू किया ना तभी मैते ने रिटेलिएट करना शुरू किया था। मैते ने आगे मतलब हिंसा शुरू नहीं किया था। हम लोग पीस लविंग पीपल है तो हम हिंसा के विरोध में है। हिंसा कोई भी एंगल पे हो चाहे मैते कर रहे हो चाहे कुकी कर रहे हो ये सही बात है। मासूम लोगों का जान चली जा रही है तो मुझे तो ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा है और हम फंसते जा रहे हैं। मासूम लोगों का जान चले जा रही है और आज भी अभी भी मुझे घर से मतलब फोन कॉल के जो हमें मिल रहा है खबर कि दो मिलिट्री पीपल ऑलरेडी जा चुके हैं जान फायरिंग चल रहा है तुर्की मिलिटेंट्स और फोर्सेस के बीच में। तो अभी तक इतना छोटा सा स्टेट क्यों कंट्रोल में नहीं हो रहा है ये बहुत हैरानी वाली बात है ना क्योंकि मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है। वहाँ पे कह रहे हैं आतंकवादी ज्यादा हैं आतंकवाद ज्यादा करते हैं आतंकवाद भी नहीं कह सकते ये सब सेपरेटिस्ट ग्रुप है और ये बस ये जो क्या बोल क्या ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं म्यांमार से म्यांमार बहुत पॉरस स्टेट है इसमें इतनी सारी सुविधा नहीं वहाँ पे प्रॉपर गार्ड नहीं किया गया प्रॉपर गार्डिंग नहीं हो रहा इसकी वजह से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉन सिटीजन पीपल को मतलब इंडिया का सिटीजन जो नहीं है उसको बाहर निकालने में क्या चाहते हैं आप सफा। अब सपा कानून में ऐसा था कि जो डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे अधिकारियों को फोर्स को ये राइट दिया जाता है कि वो मार सके किसी को गोली मार सकते तो वहाँ पे अभी लागू है वो फर्स्ट वो अभी लागू पहले लागू था अब हटा गया अब कुछ कुछ जगह पे लागू है अभी तक लेकिन जो इंफाल एरिया है उसमें लागू नहीं है ठीक है। तो लेकिन अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने मुझे इस क्राइसिस के बाद इस साइड को ऑर्डर दिया है तो जितने ये अफसपा से भी बहुत खतरनाक है जितने जो हिंसा क्रिएट कर रहा है जो हिंसा लग रहा है कि ये इंसान हिंसा के लिए मतलब प्रोवोक कर रहा है उसको मार देने के लिए घोषित कर दिया है ये बहुत इनह्यूमन वाला बात है। लेकिन सुरेश साहब को ऑर्डर इससे अफसपा से भी बढ़ते रही है वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बोला वहाँ की गवर्नमेंट शांति के लिए भी विश कर रहे हैं लेकिन शांति तो आएगा ना जब ये वायरस खत्म होगा ना तो वायरस खत्म होने के लिए प्रॉपर चेक इन करना चाहिए और नेगोशिएट करना चाहिए कि कुकी के लोगों से भी और मचे के लोगों के बीच में भी आगे एक टेबल में खड़े होकर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आगे मिलजुल के बात करना चाहिए क्या करना चाहिए और जितने भी फोर्स है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे लगभग तीसरी बार आ रहे हैं तीसरी बार आप लोग आए हो तीसरी बार नहीं ये चौथी बार है मतलब मुझे चौथी या पांचवी बार है आपकी। तो यहाँ से पीएमओ ऑफिस से क्या मिला पीएमओ ऑफिस से हमें अभी तो कुछ नहीं मिला है मतलब हम लोग पीएम ऑफिस के थ्रू तो हमने नहीं किया हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी तक राष्ट्रपति से बात नहीं हुई है अभी राष्ट्रपति से बात नहीं हुई लेकिन हमने अभी बहुत कोशिश किया हम लोग अभी हम उस मंजिल पे हम जाने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे थे लोगों को अवेयर कर रहे थे कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है मणिपुर में आप एक बार देखिए कि क्या हो रहा है हिंसा और मणिपुर में ये जो अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं ना ये तो बहुत नाइंसाफी है। जो 3 MLA खड़े होकर सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं ये कहा नहीं सब अपने स्टेट को तोड़ने के लिए बात कौन करता है यार नहीं करना चाहिए तो ये इसको प्रॉपर एक्शन लिया जाए। हमारा आज का मुद्दा यही है कि 10 MLA को के ऊपर एक्शन लिया जाए और सेफगार्ड करे मेजर पीपल के एसटी का हकदार दे और रिहैबिलिटेशन के केस जो जो अभी वायलेंस के जो लोग मर रहे हैं लोग तड़प रहे हैं लोगों को इतना सफर कर रहे हैं उन लोगों को बचाइए उन लोगों की मदद करिए। आप लोगों का भी जो SOO है ना SOO मिलिटेंट SOO के एग्रीमेंट के थ्रू वो जो मिलिटेंट रखा हुआ है उसको सस्पेंड करके एक्शन दीजिए। आपने अभी जैसे कि आप लोग 5 बार आ चुके हैं तो अभी राष्ट्रपति से कभी मिलने का मौका मिलेगा ऐसा कुछ ऑर्डर आया अभी अभी हम कोशिश करेंगे इसके बाद लेकिन इसके बाद में हमने डिस्कशन नहीं किया है इसके बारे में हमने मुद्दा नहीं उठाया अभी हम बस मतलब हम सेंटर की जो इतने सारे लोगों हैं जो हमारे भारत में रह रहे हैं हम एक बार नजर मिला जाके मणिपुर में क्या हो रहा है इतना नाइंसाफी हो रहा है वो तो ठीक है लेकिन एक बार आपको राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए हमें भी लग रहा है अभी तो हमें प्रॉपर पेपर वर्क करना शुरू कर देंगे लेकिन अभी तक जो है हम आवाज उठा रहे थे हम चुप थे लेकिन अभी हमने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि बहुत हो गया मासूम लोगों का जान बहुत चली गई है एक छोटा सा राज्य होते हुए भी इतना इंडिया इज बिकमिंग टू बिकम ए सुपर पावर कंट्री इन द नियर फ्यूचर सो इंडिया
जो कंट्री सुपर पावर कंट्री बनना चाहता है वो एक छोटे से राज्य को छोटे से जगह को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि मणिपुर की हालत लगातार हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं और आपने और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि इस वायलेंस जो जितने भी हिंसा हो रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है और किसका फायदा हो रहा है आप सब जाने किसका फायदा होता हो रहा है आप लोग एक बार सोच समझ के ये कहना चाहती हूँ कि आप बताइए किसको फायदा हो रहा है। सर्टेन पॉलिटिकल क्लास या सर्टेन कम्युनिटी को तो फायदा हो रहा है इसमें, बीजेपी को फायदा हो रहा है। मुझे मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहती लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। तभी तो इतने सारे 20 दिन हो गया, अभी 25 दिन होने वाले हैं। वायलेंस कंटिन्यू करते जा रहे हैं, मारपीट होते जा रही है। अगर आप लोगों ने देखा होगा इस खबर को तो आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? लगातार जो है एक महीने से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मणिपुर जलाया जा रहा है तमाम टीवी चैनलों में और अखबारों में और सोशल मीडिया के जरिए हम लोग आपको खबर दिखा रहे हैं और आपने देखा भी होगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, जैसा कि इन्होंने बोला कि इतने लोग मरे इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोगों को क्या लगता है? पूरी खबर जरूर दीजिए।